हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर माधवी लता मैडम जुड़ी है। मैडम, आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी घुसने की वजह से एक लड़की जो तेलंगाना से बिलोंग करती थी, तानिया सोनी, उनका देहांत हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए ऐसी मांग की जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले इतनी छोटी उम्र के एक लड़की जो सुशील और इतनी अकलमंद है, उन्होंने आईएएस पढ़ने का जो चुना है जीवन में, उनकी मृत्यु पर हम श्रद्धांजलि पहले समर्पित करते हैं। उनके माता पिता को हमारे प्रति तरफ से एक साथ हम देंगे, उनके उनके साथ भी हैं हम। सबसे पहली बात तो वहाँ का म्यूनसिपैलिटी को, यानी कि वहाँ के गवर्नमेंट को इस प्रकार के बिल्डिंगों का परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको इसके बारे में 100% उनके बारे में हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन रहता है। जब बारिश का मौसम आता है तो इस प्रकार के सलार के जो क्लासेस होते हैं उनको बंद करने की, रद्द करने की, उन पर कड़ी से कड़ी उनको इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, और ऐसे क्लासेस वहाँ पे लेने जाने के प्रति उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक प्रकार का पनिशमेंट यानी कि फाइन लगाना चाहिए था। ये ना करते हुए केजरीवाल जी और उनके गवर्नमेंट को अपने ही सिर्फ सीट या गवर्नमेंट को एक प्रकार से सुरक्षित करने में लगे हुए, लेकिन इनको इस प्रकार के किसी भी राष्ट्र के प्रति, दिल्ली के प्रति उनका जो निष्ठा है वो तो निकल गया है, छूट गया उनसे। तो मैं बस यही दिल्ली वासियों से कहती हूँ, भैया आप सोच लीजिए, जिस गवर्नमेंट को या जिस पार्टी को आप चुन रहे हैं उनको ऐसे ही इस प्रकार का उनका शासन चल रहा है कि उनको इस ऐसे हादसे से कुछ लेना देना नहीं है, या उनको औरतों पर मारना या पीटने पर कुछ लेना देना नहीं है। बैठते दंगा फसाद कर देते हैं खुद औरतों को मारकर पीटकर, बच्चे मर जाते हैं वहां पर आईएएस के कोचिंग लेने के लिए, लेकिन उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। और ये घर भी तुड़वाते हैं क्योंकि वो लोग ने भाजपा को वोट दिए हैं एमपी इलेक्शंस पर। क्या ऐसे लोगों को फिर से लेके आना बनता है या इनको हकालना चाहिए? बस मैं यही विनती करती हूँ दिल्ली के वासियों से। एक और मुद्दा है मैडम, माइनॉरिटी बजट को लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं। एक और जो यहाँ के मंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 33 करोड़ रमजान फेस्टिवल को दिए जाते हैं लेकिन बोनालो फेस्टिवल के लिए बस 5 लाख। इस पर आपका क्या कहना है? सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आपका क्या राय है? भैया आप रमजान को कितने भी दीजिए, वो भी हमारे अपने ही है, हमको दिक्कत नहीं है, बहुत खुश है उससे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हिंदू त्योहारों को आप पैसे न देते हुए या इतने कम पैसे देने से, क्या आप ये कहना चाह रहे कि हिंदू आपको नहीं चाहिए? क्या आप ये कहना चाह रहे कि हिंदुओं के वोट से आपको कोई लेना देना नहीं है? क्या आप ये कहना चाह रहे कि आप हिंदुओं के और उनके त्योहार के ऊपर मजाक उड़ा रहे हो? इतना साफ दिख रहा है कांग्रेस का हर वो हरकत, वो बस इसी से मतलब है उनके कि कौन उनके साथ जबरदस्ती से वोट हड़प ले, बोगसिंग करे, और वो गलत वोट और फर्जी वोटों के साथ कांग्रेस को ठहराएंगे। बस उनको उन्हीं से मतलब है, उनके लोगों को, लोगों से या उनके नाजुकीपन से या उनके त्योहारों से, उनके प्यार से, हिंदू से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इतनी खुदगर्ज पार्टी कांग्रेस को लेकर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, और हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। उनका सोच विचार क्या है इसके पीछे, वो हम हिंदुओं के प्रति क्या सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर सकते? लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं रेवंत रेड्डी जी से कि रेवंत रेड्डी जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी, आप पैसे दे या ना दे, फिर भी हमारे त्योहार बड़े धूमधाम से करेंगे, हम धूमधाम से निकलेंगे, लेकिन आपका यह बर्ताव सहा नहीं जाएगा, इसका मुंह तोड़ जवाब देकर ही रहेंगे। एक आखिरी सवाल मैडम, रेवंत रेड्डी असेंबली में ठहर कर कहते हैं, न्योता देते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री बनाकर बजट उन्हीं से जो है यहाँ पर टेबल करवाएंगे, ये उनका कहना है। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनका जो सीट है कोडंगल, वहाँ पर खुद ही नॉमिनेशन फाइल करके, दस्तखत लेके वो पोलिंग एजेंट बन के नॉमिनेशन फाइल करके उनको जितवाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। इसको कैसे? मैं समझ रही थी हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी बड़ी अकलमंद है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा है, वो इंजीनियर है, अव्वल डिग्री लेके आ चुके हैं, लेकिन ताजुब की बात तो ये है वो AMIM के लोगों पर इतने भरोसा करते हैं जो चकमा देने में माहिर है, जो इसके पहले TRS का मामू बना लिए और उनको जलने में छोड़ दिए, उन लोगों को मामू बना लिए, वो जब हार गए तो ये लोग बाजी पलट लिए।
तो रेवंत रेड्डी जी को इसका आभास क्यों नहीं आ रहा है? इतने अकलमंद रहकर हमारे मुख्यमंत्री को यह पता क्यों नहीं चल रहा है कि MIM वाले नाव को बदलने में बड़े माहिर है? रेवंत रेड्डी जी, आप भी जरा सतर्क रहिए। आप इतना करना चाह रहे हैं, जिनको भी आप करना चाह रहे हैं भाई बनाकर, लेकिन आपके पीछे ही बम फटेंगे आपके भी। इसका मतलब है आने वाले 5 सालों में अभी कांग्रेस भी निकल जाएगा, क्योंकि इन लोगों का ना बड़ी एक मनुष्य कहते हैं ना, ये जिन जिन से लग जाते हैं, भले ही दिखता है कि ये जीतते हैं पहली बार, दूसरी बार इनका हार तय है, तो इससे मैं कहती हूँ कांग्रेस को लगे रहना चाहिए MIM से, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस हार जाएगा। जिन जिन के साथ MIM ने साथ दिया उनका हार तय था और तय रहेगा। धन्यवाद मैडम, से बातचीत करने के लिए दिए थे भारतीय जनता पार्टी के लीडर माधवी लता। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।